सो हे गाइस, फाइनली हम जो है पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस। तो अभी हम मैसूर पैलेस के पार्किंग एरिया में हैं। तो इन लोगों ने पार्किंग का जो है वो 50 रुपीज़ लिया है। यहाँ की टाइमिंग जो रहेगी वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है आप बाहर से पैलेस का टूर दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि अंदर से आप बाहर जब देखोगे तो दीवाने खास से कैसा व्यू आता है। ये पापा पोज देते हुए फोटो क्लिक करवाते हुए। सो गाइस, बाहर का टूर हो गया है, अब हम आपको लेके जाएंगे पैलेस के अंदर। और आप जो है पैलेस के अंदर अगर जा रहे हो तो ये लोग आपको जितने भी जूते चप्पल है वो बाहर खुलवा देते हैं, आपको बाहर जमा करना रहता है। और आप जो एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप आ रहे हो यहाँ पे तो कॉइन जो है अपने साथ रखो, क्योंकि जूते का पर जूते का ये लोग 2 रुपीज़ ले रहे हैं, यानी पर हेड ये लोग 2 रुपीज़ ले रहे हैं। तो आप ट्राई करो कि अपने साथ जो हो चेंज मनी रखो। फुटवेयर जो है यहाँ पे रखना होता है। सो ये लोग आपको एक बैग देंगे, वहाँ पे आपको अपना जूता चप्पल जो भी है फुटवेयर रखना है। सो ये लोग आपको टोकन देंगे, वो टोकन आपको रखे रहना है, और जब आप एग्जिट करोगे तो वो टोकन आपको दिखाना होता है, और उसके बाद आपको अपना जूता कलेक्ट करना होता है। सो यहाँ से आपको अपना जूता जमा करना है, और उसके बाद इधर से ही आपको पैलेस की तरफ निकलना है। हम जो क्या देख रहे हैं उसको समझने जरूरी है। सो गाइज, आप जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे गाइड आएंगे और वो बोलेंगे कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे, तो आप चाहोगे तो गाइड भी ले सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं तो गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ चाहते हो तो 350 रुपीज़ पर गाइड का ले रहे हैं। सो अब हम लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी बैग वगैरह है तो यहाँ पे चेकिंग होगी। बट हम लोग सारा कुछ अपना छोड़ के आए हैं कार में ही। सो गाइस, जैसे ही आप पैलेस के अंदर एंटर करोगे तो जो टिकट आपने लिया है वो इनको दिखाना होता है
तो यहाँ रोहित वही दिखा रहा है। जैसे ही आप एंटर करोगे कि सबसे पहले आपको ये ढेर सारा तोप देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज ये तोप अभी भी यूज़ किया जाता है दशहरा के टाइम पे। सो गाइज जैसे ही आप महल के अंदर एंटर करोगे तो आपको एक इस तरह का महल देखने को मिलेगा। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो आप मैसूर पैलेस देख रहे हैं सबसे पहले वो ऐसा दिखता था पहले, बट किसी हादसे के कारण ये जल गया और उसके बाद जो है ये मैसूर पैलेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि अभी करंट है वो बनाया गया है। तो ये बना है आपको 14th सेंचुरी में बनाया गया था, तो बनने में लगभग 14 साल लगे थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो राजशाही घराने के कुछ सामान है वो सब देखने को मिलेगा। सो गाइज आप ये दोनों हाथी जो देख रहे हैं ये दोनों हाथी बिल्कुल रियल है, इसको बस केमिकल के थ्रू जो है इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और आप जैसे ही एंटर करोगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कुश्ती दिखेगा, कुश्ती अखाड़ा जिसको बोला जाता था। तो बताया जाता है कि अभी भी दशहरा के टाइम पे यहाँ पे कुश्ती किया जाता है। तो आप ये जो फ्लोर देख रहे हैं उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है और दशहरा के टाइम पे जो है यहाँ पे कुश्ती की जाती है। बट जिस टाइम पे राजा रानी थे उस टाइम पे यहाँ हमेशा से कुश्ती हुआ करता था और लोग जो है यहाँ से सारी तरफ से कुश्ती का लुफ्त उठाते थे। आप एंटर करोगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरे वॉल पे आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा। सो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं इनके शाही मंडप पे। तो बताया जाता है कि पहले जो राजा रानी का शादी होता था तो ये उसका हॉल है और ये इनका फ्लोर आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हो बीचों बीच में ये जो झूमर है इस शाही मंडप को खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये डोर जो आप देख रहे हैं इसमें भी जो कलाकृति की गई है वो बहुत यूनिक है, पेंटिंग हो गई या फिर मैं यहाँ की पेंटिंग की बात करूं और फ्लोर की मैं बात करूं तो यही रीज़न है कि ये लोग जो है आपको शू उतार के भेजते हैं ताकि ये जो महल जो है इनकी मेंटेनेंस करना इनको इजी रहे। मंडप जिसको बोला जाता है मैरिज हॉल, तो जब राजा महाराजा की शादी होती थी तो यहीं पे हुआ करती थी और जो भी गेस्ट आते थे तो आप देख सकते हैं। इसलिए ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इसके चारों तरफ आपको डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग देखने के लिए मिलेगा जो इतना ज़्यादा दशहरा के टाइम पे मैसूर को सजाते हैं। तो ये जो है पूरा पेंटिंग आपको मैसूर का कल्चर को दर्शाया गया है। तो कारागिरी जो इन लोगों ने किया है माशाल्लाह। ये महल को 14th सेंचुरी में बनाया गया था और 1912 में ये बन के रेडी हो गया था। करीब 14 से 15 साल लगे थे इसको बनने में इस महल को और टोटल वर्थ जो था वो 42 लाख इस टाइम का था। सो गाइज अभी है हम इनके गैलरी एरिया में, तो आप जो है यहाँ पे देखोगे इनके पूर्वजों का फोटोज लगा होगा, पिक्चर ऑफ रॉयल फैमिली। जैसे मैंने बताया तो इनके दादा परदादा जो भी है रॉयल फैमिली के जो भी चेन है वो सारे पिक्चर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो गाइस जैसे ही ये रॉयल फैमिली की गैलरी आप क्रॉस करोगे कि आपको ऐसा कुछ मैसेज बॉक्स देखने को मिलेगा। और गाइज आप यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग देख रहे हो वो 3D पेंटिंग है, तो आप जो मूव करोगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग भी जो है ये मूव कर रही है।
सो गाइज, आप ये दो चेयर देख रहे हैं, ये दो चेयर जो है वो सिल्वर के है, और ये बीच में जो आप हाथी के दांत देख रहे हैं वो रियल के है। तो अंदर में जो हाथी है, जब वो एक्सपायर कर गया था तो उसकी मेमोरी के लिए ये दांतों को प्रिजर्व करके रखा गया है। और इस रूम के दोनों साइड आप जो है मिरर देखोगे, और ये अभी जस्ट हम लोग जो चर्च देख के आए हैं उसका पेंटिंग किया गया। तो ये पेंटिंग जो है आपको मैसूर सिटी का एक टूर देता है। और गाइस, अभी भी कहा जाता है कि दशहरा के टाइम पे राजा जो है वो हाथी के ऊपर बैठकर पूरा अपने सिटी का भ्रमण करते हैं। ये जो आप वहाँ पे हाथी देख रहे थे, दोनों हाथी है, उनके ये दांत जो है, ये दो दांत रहे और ये दो दांत रहे, इनको भी जो है प्रिजर्व करके रखे हैं ये लोग। सो गाइज, आप जो है इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और गाइज, ये जो देख रहे हैं ये बीएल का रथ है। तो बोला जाता है कि दशहरा के टाइम पे राजा जो है हाथी के ऊपर इस पे बैठकर और भ्रमण करते हैं। तो ये रियल गोल्ड है, 750 किलोग्राम का ये रथ। ये रहा मिरर, आप ये जो मिरर देख रहे हैं, इस मिरर को इन्फिनिटी मिरर भी बोला जाता है। और दोनों साइड आपको इन्फिनिटी मिरर देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे ऊपर, और ये देख सकते हैं। इस पैलेस का मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो यही है, जिसको दीवाने खास बोला जाता है। है दीवाने खास। सो आपको याद होगा मैं बाहर थी, अभी मैंने आपको बोला था। तो ये है दीवाने खास। तो राजा जब अपने प्रजा की बात उनको सुनना होता था तो वो यहाँ पे बैठे रहते थे, और प्रजा जितनी है उनको वो सुनते थे। तो फाइनली मुझे ये मिरर मिल गया, वरना कोई भी ये मिरर छोड़ ही नहीं रहे थे। मुझे एक छोटा सा मेरा क्यूट सा सब्सक्राइबर भी मिला, तो वो मैं क्लिप डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के पार्लियामेंट गोल्डन। ये है इनका पार्लियामेंट। तो यहाँ पे राजा लोग बैठ के अपना डिस्कशन वगैरह करते थे, वो था जनता दरबार, और ये है पार्लियामेंट। और ये रहा हमारा एग्जिट। और आप एग्जिट करोगे तो ये जो आप गेट देख रहे हो ये पूरा सिल्वर का है, दोनों गेट जो है वो सिल्वर के गेट है। और ये रहा एग्जिट। तो हमारा पूरा टूर हो गया, और ये काफी दोनों साइड से स्टेयर है।
गाइस, मैंने आपको पूरा मैसूर पैलेस का टूर दे दिया। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक करवाए हैं, अगर आपको वो देख रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, मैंने जितना भी आपको घुमाया ये पैलेस का सिर्फ 10% था, क्योंकि अभी भी यहाँ के राजा महाराजा जो है इस पैलेस को यूज़ करते हैं, तो सिर्फ आम पब्लिक के लिए 10% यूज़ किया दिया गया है। आप घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने आपको जहाँ तक घूम सकते हैं मैंने आपको घुमाया। सो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।